दोस्तों, मॉडल अदाकारा गुलूकारा अलीज़ शाह ने कार में सिगरेट नोशी करने की वीडियो को बिला इजाजत रिकॉर्ड करने और उसे वायरल करने वाले अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का अंदिया दिया है। अलीज़ शाह की कार में बैठे हुए सिगरेट पीने की वीडियो 3 दिन कबल 29 दिसंबर को सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। मुख्तसर वीडियो में अलीज़ शाह को कार में बैठे हुए सिगरेट नोशी करते देखा गया था। वीडियो सामने आने के बाद अलीज़ शाह का नाम ट्विटर और इंस्टाग्राम पर ट्रेंड भी करने लगा और उनकी सिगरेट नोशी की वीडियो को मुतअद्दिद शोबिज वेबसाइट्स पेजेस के अलावा आम अफराद ने भी शेयर किया था। वीडियो वायरल होने के बाद अलीज़ शाह पर ना सिर्फ तनकीद की गई बल्कि उनके लिए नामुनासिब जुबान का इस्तेमाल भी किया गया, जिसके बाद अब अदाकारा ने मस्कूरा वीडियो को बिला इजाजत रिकॉर्ड करने और इसे सोशल मीडिया पर शेयर करने वाले अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का अंदिया दिया है। अदाकारा ने 1 जनवरी को इंस्टाग्राम स्टोरीज में वफाकी तहकीकाती इदारे FIA के साइबर क्राइम ब्रांच सिंध के डायरेक्टर इमरान रियाज की मुख्तसर वीडियो शेयर की, जिसमें रजामंदी के बगैर वीडियोस बनाने और उन्हें शेयर करने के कानून पर बात करते दिखाई दिए। FIA के डायरेक्टर ने वीडियो में बताया कि किसी भी शख्स की रजामंदी के बगैर उनकी वीडियो बनाना या तस्वीर खींचना और फिर इसे इजाजत के बगैर सोशल मीडिया पर शेयर करके फैलाना साइबर क्राइम के जुमरे में आता है। उन्होंने बताया कि अदाकारा अलीज़ शाह की हाल ही में बनाई गई वीडियो का मामला भी साइबर क्राइम एक्ट 2016 के जुमरे में आता है, जिसकी सजा 10 लाख रुपये या 3 साल कैद या फिर दोनों सजाएं हो सकती हैं। FIA के डायरेक्टर ने लोगों को तजवीज़ दी कि वो इसी तरह के मामलों में एहतियात से काम लें और किसी भी कानूनी कार्रवाई से महफूज रहें। FIA के अफसर ने अपने इंस्टाग्राम पर भी मस्कूरा वीडियो शेयर की और साथ ही उन्होंने अलीज़ शाह को भी वीडियो में मेंशन किया। ताहम इमरान रियाज ने यह वाजे नहीं किया कि उन्हें अलीज़ शाह ने वीडियो वायरल करने वाले अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की दरख्वास्त दी है या नहीं, और ना ही अदाकारा ने वाजे किया कि उन्होंने वीडियो बनाने वालों के खिलाफ क्या कानूनी इकदाम किए हैं। ताहम अदाकारा की जन्म से FIA के डायरेक्टर की वीडियो शेयर करने से अंदिया मिलता है कि अलीज़ शाह सिगरेट नोशी करने की वीडियो को वायरल करने वाले अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का इरादा रखती हैं। वीडियो के आखिर में एक बार फिर से शोबिज वर्ल्ड न्यूज़ के नाजरीन से गुजारिश की जाती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर करें। शुक्रिया।